चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के विद्यानिकेतन विभाग और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संयुक्त उपक्रम से आज के ये वेबिनार ऑन फिजिकल लिटरेसी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार मैं आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रागट्य, वर्चुअल दीप प्रागट्य और प्रार्थना से करने की अनुमति चाहता हूं। इट इज रिक्वेस्टेड टू होस्ट टू अलाउ द पार्टिसिपेंट टू शेयरिंग द स्क्रीन प्लीज। शिल्पा मैडम, स्क्रीन शेयरिंग नो ऑप्शन एक्टिवेट था, वो कर जो। जरूर प्रसन्न बोला इस कम जल्दी जल्दी मुक्की दे। સાહેબ કરે છે, થોડો ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ છે એટલા માટે ઓકે હાર્દિકભાઈ ઓકે કરે છે. હા, થેન્ક યુ થેન્ક યુ મેડમ. ઓકે ઓકે.
थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ विद्यानिकेतन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृणाल पंचाल सर को अनुरोध करूंगा कि वे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का शाब्दिक स्वागत करें। डॉक्टर कृणाल पंचाल सर। यस प्लीज। नमस्कार सबको। आवाज सुनाई नहीं देता है। यस प्लीज। आज के इस नेशनल वेबिनार में उपस्थित हमारी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय श्री हर्षद भाई शाह साहेब, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा साहेब, हमारी दोनों यूनिवर्सिटी के कुल सचिव श्री, हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अशोक भाई प्रजापति और स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एएम देसाई साहब, आप सभी का इस नेशनल वेबिनार में मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स और हमारे कई स्पोर्ट्स के जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिकल लिटरेसी के विषय पर आज वक्तव्य होने जा रहा है। तो आज के हमारे वक्ता मिस्टर अमित मलिक जी, जो कि फिजिकल लिटरेसी एसोसिएशन के भारत का एम्बेसडर है, और आज का ये पूरा आयोजन जिन्होंने संभाला है, ऐसे यजुर्वेंद्र सिंह जेठवा जी और डॉक्टर शिल्पाबेन वाला, आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और इस वेबिनार की सफलता के लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूं। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कृणाल पंचाल सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री एम देसाई सर को अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रसंगोचित उद्बोधन करके हमें प्रोत्साहित करें। रजिस्ट्रार सर। नमस्कार। फिजिकल लिटरेसी के नेशनल वेबिनार में उपस्थित माननीय वाइस चांसलर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी श्री हर्षद भाई शाह साहब, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा साहब, विद्यानिकेतन के साथ संलग्न 54 इंस्टीट्यूट के फैकल्टी और विद्यार्थियों, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए सभी अध्यापक और विद्यार्थीगण, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी के संयुक्त उपक्रम से आज जो नेशनल वेबिनार हुआ है, दोनों यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू हुआ है, हमारा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा साहब वाइस चांसलर ने गुजरात की कई यूनिवर्सिटियों और अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ भी एमओयू किया है, तो उसके चलते स्पोर्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए हमारे वाइस चांसलर साहब बहुत ही सक्रिय है। तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में स्पोर्ट्स की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए आज का जो नेशनल वेबिनार हुआ है, तो मैं अभी वाइस चांसलर साहब को भी सुनना है दोनों, और हमारे जो नेशनल जो एक्सपर्ट है उनको भी सुनना है, तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने बहुत लंबे अनुभव के बाद उनकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने जिनको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ऐसे हमारे मार्गदर्शक और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति श्री डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर को मैं विनंती करता हूँ कि वो प्रसंगोचित उद्बोधन करके हमें प्रोत्साहित करें और हमें आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा सर। ओ नमस्कार, प्रणाम, वंदनम। आज फिजिकल लिटरेसी के नेशनल वेबिनार में उपस्थित परम आदरणीय
श्री हर्षद भाई शाह साहब, प्रजापति साहब, डॉक्टर देसाई साहब, डॉक्टर कुणाल पंचार जी, डॉक्टर शिल्पा वाला जी, डॉक्टर यजुवेंद्र सिंह जेठवा जी, डॉक्टर रविंदर सिंह राजपुरोहित जी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी संलग्न विद्या निकेतन के विभाग के सभी टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ और यहाँ पे पार्टिसिपेट सभी मेरे बंधु भगिनी, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर अमित मलिक जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी एक ही रिक्वेस्ट पे, पुलेला गोपीचंद जी को हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि फिजिकल लिटरेसी में आप देश और दुनिया में काम कर रहे हो तो क्यों ना चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के इस विद्या निकेतन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर हमें अमित मलिक जी को सुनने का मौका क्यों ना मिले। तो उन्होंने सहर स्वीकार किया। इस मौके पे मैं पुलेला गोपीचंद जी का भी बहुत ही आभारी हूँ, अमित मलिक जी का भी बहुत ही आभारी हूँ और खास तौर पे परम आदरणीय अर्षद भाई साहब का आभारी हूँ कि हमारे और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के एमओयू के तहत इस वेबिनार की श्रृंखला में, नेशनल वेबिनार फिजिकल लिटरेसी के ऊपर, जो कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बच्चों के फाउंडेशन में फंडामेंटल रूप से काम करने जा रही है, उसमें फिजिकल लिटरेसी की अहमियत क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल लिटरेसी फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फॉर द इंडिविजुअल, उस बेसिस पे आज नेशनल वेबिनार की रूपरेखा रखी गई। यजुवेंद्र सिंह जेठवा, शिल्पा वाला, हमारे कुणाल देसाई जी, हमारे सुधीर शर्मा जी, सभी ने एकजुट होके एक ही आवाज में फिजिकल लिटरेसी के बारे में एक संकल्पना सेवी। और फिजिकल लिटरेसी के अंदर फंडामेंटल मूवमेंट्स बच्चों की क्या होनी चाहिए, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, उसका बैलेंस कैसे रखना है, साइकिलिंग कैसे करनी है, स्विमिंग कैसे करना है, स्कीपिंग कैसे करना है, सभी स्पोर्ट्स की जितनी भी मूवमेंट है उस मूवमेंट के पीछे फिजिकल लिटरेसी इज रिस्पॉन्सिबल। आप एक अच्छा नागरिक तैयार करने जा रहे हो। तेजस्वी अर्षद भाई साहब हमेशा एक ही स्वप्न, जो हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने सेवा है, वही सपने को संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमें तेजस्वी बालक चाहिए। तेजस्वी बालक है तो ही तेजस्वी भारत का नागरिक बनेगा और एक अच्छा चरित्रवान और बलवान और राष्ट्रवादी हम एक विद्यार्थी को एक व्यक्तित्व के रूप में हम उसका एक अच्छे से फाउंडेशन बेस तैयार कर सकेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिजिकल लिटरेसी के अंदर वॉकिंग कैसे करना है, द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ रनिंग, व्हाट इज अ रनिंग टेक्निक, और उसके अंदर फंडामेंटल बेस फिजिकल फिटनेस का, मेंटल वेलनेस का, कैसे उसका बैलेंस करके एक छोटे बच्चे को, एक चाइल्ड को, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी तो चिल्ड्रन होने के पहले गर्भाधान के टाइम की बात कर रही है। एक नया संशोधन उन्होंने विश्व के सामने रखा है जो एक बहुत ही अमूल्य देन है। परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार करने के लिए हर्षद भाई साहब के मार्गदर्शन में हमारी चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी कार्यरत है, उसी के साथ हमें जुड़ने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसलिए स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से मैं और मेरी टीम आप सबके ऋणी और आभारी है। आज हमें अमित मलिक जी को भी सुनना है, परम आदरणीय हर्षद भाई शाह साहब को भी सुनना है, फिजिकल लिटरेसी का इम्पोर्टेंस भी देखना है कि बच्चों के अंदर फिजिकल लिटरेसी का कितना इम्पोर्टेंस है, उसका मूवमेंट के अंदर क्या क्या, उसके अंदर फंडामेंटल स्किल्स, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उसकी स्पोर्ट स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उसकी जो सेंडिंग स्किल्स है, जो थ्रोइंग, किकिंग और स्ट्राइकिंग की, और उसकी विपरीत दिशा में आप देखिए तो उसकी रिसीविंग स्किल्स कैचिंग की है, ट्रैपिंग की है, उसके अंदर उसका डेवलपमेंट कैसे करना है, उसका ज्ञान हमें आज हमारे एक्सपर्ट स्पीकर श्रीमान अमित मलिक जी से लेना है। तो आज हम आगे बढ़े, हम लोग एक साथ और आगे काम करें और फिजिकल लिटरेसी के इस नेशनल वेबिनार में हम लोग आज उनको सुने और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बच्चे, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स,
सभी लोग इसी में से ज्ञान लेके फिजिकल लिटरेसी को हम चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ाए और स्पोर्ट्स के माध्यम से एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करें, जो कि हमारे परम सदे नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है, उसे हमें साकार करना है। एक नया भारत का निर्माण करना है, एक अखंड भारत का, मजबूत भारत का, स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। तो आइए फिजिकल लिटरेसी के माध्यम से एक नए भारत की निर्माण करने की श्रृंखला में एक नींव रखे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसमें एक फंडामेंटल बेस पे आज एक अच्छा सा कार्यक्रम करने जा रही है। सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ और चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का, अर्षद भाई शाह साहब का मैं आभारी और ऋणी हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को साथ में जोड़ा और एक नई दिशा में काम करने का एक आह्वान किया। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय कुलपति श्री हर्षद भाई शाह साहब को कि वो प्रसंगोचित उद्बोधन करके हमें आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय वाइस चांसलर श्री चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी श्री हर्षद भाई शाह साहब। परम स्नेही मित्र आत्मीय श्री अर्जुन सिंह जी और हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, रजिस्ट्रार साहब, गेटवा साहब और हमारे चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के भी जो कार्यकर्ता है सम्मिलित, और मेरे सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज ये विषय मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, हालांकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं समझता हूँ। मैं जिस एंगल से इस विषय को समझता हूँ और उसके बारे में कुछ कहूंगा, वो मैं जानता हूँ कि ये फिजिकल अवेयरनेस का अर्थ मतलब मैं शारीरिक समानता, शारीरिक सजगता, फिजिकल अवेयरनेस ऐसा करता हूँ। यदि मेरी बात गलत हो तो अमित जी सुधार लेंगे और हमारे जो आदरणीय वक्ता हैं वो भी उसको ठीक कर लेंगे। मतलब मैं जो ये समझता हूँ कि हमारा शरीर के बारे में, शरीर क्योंकि हमारा सभी प्रकार के धर्मों का महत्वपूर्ण साधन है, कोई कुछ भी काम करना है तो शरीर के माध्यम से कर सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही एक उत्तम माध्यम है, साधन है, जिससे साध्य तक पहुंच सकते हैं। जो भी करना है, ओलंपिक में जाना है तो भी शरीर चाहिए, एवरेस्ट पर्वतारोहण करना है तो भी अच्छा शरीर चाहिए, उड्डयन करना है, फ्लाइट में जाना है तो भी मनोबल चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए। कुछ भी करना हो, निरंतर काम करना हो, हम जो काम करते हैं वो काम में क्रियाशीलता भी यदि अभिव्यक्त करनी है, कि क्रियाशीलता का भी यदि हमें अनुभव करना है तो भी शरीर ही चाहिए। और भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया है, देखिए भगवान तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है और उन्होंने जो शरीर दिया है इस प्रकार का, उसकी जो वैज्ञानिक रचना है और जितने प्रावधान, जितने प्रोविजंस हमारे शरीर में किए गए हैं भगवान के द्वारा, वो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। मगर इसको संभालना कैसे, ऐसा जो उत्तम साधन जो है हमें भगवान ने जो दिया है, जो अप्रतिम भेंट दी है, इसको संभालने कैसे है? ये संभालने के लिए जो सजगता चाहिए, जो अवेयरनेस चाहिए, बच्चों में बचपन से ही हमने डालनी चाहिए। तो आखिर तो हम चाहते हैं कि बच्चा जो भी बालक आज है ये हमारे भविष्य का नागरिक है, हमारे भविष्य की धरोहर है और श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण हम उसमें देखना चाहते हैं। तो यदि वो श्रेष्ठ बनाना है तो उसका शरीर भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो सभी प्रकार के काम, सभी प्रकार की सेवाएं, समाज के लिए जो भी करना है, राष्ट्र के लिए जो भी करना है, राष्ट्र के लिए यदि कारगिल मोर्चे पर जाकर के लड़ना भी है तो शरीर ही चाहिए। और अगर हमारे ऋषियों ने कहा है,
केवल शरीर काम नहीं करता है, शरीर के पीछे मन भी काम करता है, शरीर के साथ बुद्धि भी चाहिए, मन भी चाहिए और आत्मबल भी चाहिए, प्रकार की शक्ति भी चाहिए, आंतरिक शक्ति जो हम यदि उसको डेवलप करें, कल्टिवेट करें, तो शरीर को भी बल मिलता है। इसलिए शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इन पांचों तत्वों का संयोजन हमने करना सिखाना चाहिए बच्चों को। जैसे माननीय अर्जुन सिंह जी ने कहा कि बच्चे को चलना कैसे है ये भी सिखाना है, दौड़ना कैसे है ये भी सिखाना है, बैठना कैसे है ये भी सिखाना है। हम तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे एक निर्बल आदमी बैठे हो, मगर यदि हम ऐसे ठीक से बराबर सीना तान के यदि बैठते हैं अच्छा लगता है और हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। खाना कैसे है, हमें तो आजकल फास्ट फूड खाने में ऐसी आदत हो गई है कि खड़े खड़े खाना और कुछ भी खा लेना, एक भूख लगी है तो पेट में कुछ भी डाल देना, कचरा भी डाल देना, मगर ये हम सबके लिए ये परेशानी वाली बात है। और हम इसके लिए बच्चों में जो आदतें डालनी पड़ेगी ना, सभी दर्शक, मेरे प्रिय दर्शक सुने समझे, कि हमें इन बच्चों के लिए माता पिता को ट्रेन करना पड़ेगा, माता पिता को एक प्रकार की समझ देनी पड़ेगी, उनको एक प्रकार का ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई अपने बच्चों को किस प्रकार से उनका शारीरिक सौष्ठव, फिजिक उनका कैसे ठीक हो, ये घर से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो घर ही विद्यालय बनना चाहिए और विद्यालय घर बनना चाहिए, विद्यालय घर जैसा लगना चाहिए और घर विद्यालय जैसा लगना चाहिए। मैंने कई घर देखे हैं कि जहां कुछ ना कुछ ऐसे शारीरिक कार्यक्रम भी बच्चों के लिए किए जाते हैं, जैसे बैलेंसिंग का ध्यान रखना, कोई एक हाइट पर बच्चे को बैलेंसिंग रखते हुए चलाना, कभी कभी रस्सी पर चढ़ने के लिए कहना, और सैंडपिट जो छोटा, कोई जिसमें रेत हो, जिसमें बालू हो और उसमें गिर के, और अपना एक जो मन भीति होती है, एक प्रकार का डर रहता है, उसका भी निरसन करें, निवारण कर दें। तो इस प्रकार की कई उपक्रम हम घर में भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, सामूहिक रूप से कर सकते हैं। मैं तो व्यायामशाला में भी गया हूँ, जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं व्यायामशाला में जाता था। मैं 50 और 100 तक सूर्य नमस्कार भी मैंने किए हैं, मुझे सभी प्रकार के आसन भी मैं करता था। तो इसलिए आज मेरा जो शरीर है काम देता है, आई कैन वर्क फॉर 18 आवर्स अ डे। ये जो स्टेमिना है वो आखिर तो शरीर से मिलता है, मन भी तो साथ में चाहिए मगर शरीर भी चाहिए, शरीर और मन का एक सुंदर समन्वय हम कैसे कर सकते हैं। और इसी को मैं कहता हूँ फिजिकल लिटरेसी, ये ज्ञान बच्चों में एक प्रकार से कल्टिवेट करना, इंकल्केट करना, और माता पिता के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से ये करना आवश्यक। आजकल हमारा शरीर की और काफी ध्यान नहीं होता, बच्चों को बचपन से ही स्पेक्स चश्मा आ जाते हैं, क्यों आते हैं ये सोचना चाहिए, घूमना चाहिए। बचपन से ही मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा देना और मैदान में नहीं ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है, इससे अवेयरनेस कैसे आएगी। ये जो मोबाइल का जो ग्राउंड है, इसे छोड़ करके खुले मैदान में बच्चों को ले जाना पड़ेगा, वहां दौड़ाना पड़ेगा, वहां खेल खिलाने पड़ेंगे और वहां इस प्रकार की कई स्पर्धाएं उनको करनी पड़ेगी, वो रमना खेलना, कबड्डी खेलना, मलखम्ब करना, कुश्ती करना, इन सब जो ये सब उपक्रम है, सभी उपक्रमों से हमारे बच्चों को पल्लवित करना चाहिए, पुष्ट करना चाहिए। तो ये उपक्रम यदि हम करते हैं तो उसे हम, मैं कहता हूँ कि इसे ही फिजिकल लिटरेसी कही जा सकती है। मैं इसके बारे में ज्यादा तो ऑथेंटिकली तो नहीं जानता हूँ, मगर एक शब्द से जो मैंने जो भाव पकड़ा है, जो
अर्थ पकड़ा है, मैं जो समझा हूं, मैंने अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है। और ये ऐसे वेबिनार होने चाहिए ताकि आजकल ओलंपिक के समाचार प्रतिदिन हम पढ़ते हैं अखबारों में, भारत के कितने कम मेडल आते हैं, क्यों कम आते हैं, भारत इतना इतना बड़ा, इतनी आबादी, 140 करोड़ की आबादी रखने वाला देश 40 मेडल भी नहीं ला सकता है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और इसलिए ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसा जो उपक्रम आदरणीय नरेंद्र भाई ने बड़ा प्रधान श्री ने जो किया, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी और चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने मिलकर के जो साथ में संयोजन करके जो कर रहा है वो हम अवश्य करेंगे, बच्चों के लिए, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनकी फिजिकल लिटरेसी के लिए, और हमने सबने मिलकर के ये करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम हमारे आदरणीय वक्ता को भी ठीक से सुने, और मैंने जो बात कहने थी जो मैं समझता था मैंने कह दी है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं अभी मेरी बात यहाँ पूर्ण कर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस कार्यक्रम में सुचारू रूप से हमने आयोजन किया था, उसके बीच में एक आकस्मिक कार्यक्रम आ जाने की वजह से हमारी दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास समय ना होते हुए भी राणा सर ने और हर्षद भाई शाह साहब ने अपना कीमती समय स्पेयर करके हमें आशीर्वचन प्रदान किए हैं। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपके खूब खूब आभारी है, धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस ट्रेनिंग एंड कोचिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रविंद्र सिंह राजपुरोहित को विनंती करता हूं कि वो आज के हमारे एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करें और जो टेक्निकल सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करें। श्री रविंद्र सिंह राजपुरोहित सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार respected honorable vice chancellor of swarnim vidya sports university Sri Arjun Singh Rana sir, respected honorable vice chancellor of children university Sri Harsha Sah sir, registrar of swarnim vidya sports university Sri M Desai sir, registrar of children university Dr Ashokan Prajapati sir, all panelists member and dear participants, a very good evening to one and all. On the behalf of swarnim vidya sports university and on my personal behalf, I would like to welcome our today's expert Mr Amit Malik ji. He is physical literacy professional working in the sector for more than 7 years. He has worked on various strategic projects with Sports Authority of India, state sports authorities, not for profit organizations, coaches and athletes. He has done doctoral fellowship in management from Management Development Institute, Gurgaon is a top institute. He has done his bachelor's in technology in computer science from NIT Kurukshetra. He is member of committee on National Sports Education Board constituted by Ministry of Sports in India. He is an ambassador of International Physical Literacy Association in India. He has been part of core team of Pulila Gopichand since 2016. From last 5 years, he is connected with Pulila Gopichand sir. In his last role at ELMS Sports Foundation, he has been a contributor to training and education of approximate 25,000 government physical education teachers. It's a huge number. He is always interact with the teachers, which is the like leading bone of an institute, and touching more than 5 million children across 12 states. I can say he is doing very well job and educate all teachers as well as children. He also contribute as a head sports social impact initiative at Abhinav Bindra Foundation. I hope everyone would be loved to enjoy today's session, and definitely I hope sir will take a very fruitful session for all of us. Once again I welcome you sir. Now with the kind permission of all, I would request our today's expert Mr. Amit Malik sir for begin the session, please sir. Warm thanks to Ravindra sir. Thank you sir. Aapne bahut zyada detail mein introduction de diya. तो एक तो सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद दूंगा जेठवा सर का, अर्जुन सिंह राणा सर का, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया और
ये हुआ कि समय पर ओलंपिक चल रहा है और बाकी काफी एक्टिविटी रहती हैं, तो मैंने पहले गोपी चंद सर से पूछा कि सर क्या हम ये ले पाएंगे इस समय पर इस सेशन को लेके, बट वो बड़े पॉजिटिव थे और मुझे इंडिविजुअली पहली बार पता चला चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बारे में। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ पर मुझे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, और जब मैंने कार्य देखा चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का, पूरा वेबसाइट पर गया, उनके बारे में पढ़ा, तो उससे मेरी रुचि बनी कि हमें ये वेबिनार में शामिल होना चाहिए। और इससे अच्छा तालमेल नहीं हो सकता कि हम फिजिकल एजुकेशन और चिल्ड्रन को इकट्ठा लेके चलें। तो अ बिग थैंक्स टू SGSU एंड चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। गोपी सर काफी बिजी थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक बोला कि मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं मैसेज दे सकूँ वीडियो, तो उनका एक वीडियो मैं उनका पहले का रिकॉर्ड वीडियो वो मैं प्ले करूंगा ताकि आप उनके भाव भी समझ पाएं कि हम फिजिकल लिटरेसी में क्या कार्य कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो शुरुआत में करते हैं छोटी सी कहानी से। ये करीब 5 साल पहले की बात है जब गोपीचंद अकेडमी में समर कैंप चल रहे थे। हमारे यहाँ समर कैंप चलते हैं छोटे बच्चों के लिए, नॉर्मली सभी सीनियर एथलीट्स ही रहते हैं। उस समर कैंप में एक कोर्ट पर सर ऐसे ही चले गए, चलो आज मैं कुछ खिलाता हूँ छोटे बच्चों को, थोड़ा मस्ती करता हूँ उनके साथ, कैसा लगेगा उन बच्चों को। तो वहां पर सर ने बोला कि चलो आज मैं खिलाता हूँ, तो बच्चे बड़े एक्साइट होते हैं, अरे गोपी सर हमको ड्रिल कराएंगे आज, नॉर्मली वो सीनियर प्लेयर के साथ ज्यादा खेलते हैं। तो वहां पर ना कोर्ट पर एक लड़की थी करीब 13-13.5 साल की, तो सर ने उसको उछाला शटल को कि बेटा आप शटल के नीचे आओ जोर से मारो। तो उसने पहली बार वो शटल को टच नहीं कर पाई, शटल आई नीचे गिर गई। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो सर को लगा शायद ना इसका हैंड अच्छे कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसको करता हूँ शटल में पहले कैच कराता हूँ। तो पर तुम शटल रैकेट साइड में रख दो बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हें शटल थ्रो करूंगा कैच करना, सिंपल शटल के नीचे आके कैच करना। उसे वो कैच भी नहीं हुआ, वो घबरा रही थी, थोड़ी हिल रही थी, तो जो जहां पर शटल की लोकेशन थी वो लोकेट नहीं कर पा रही थी, कब इधर जा रही थी उधर जा रही थी। तो सर ने बोला थोड़ा स्प्लिट करो, तो बोले स्प्लिट स्प्लिट क्या होता है सर? सर ने सोचा चलो इसको किसी और खेल में इंटरेस्ट होगा, मैं किसी और को ट्रेनिंग कराता हूँ आज, और सर वहां से निकल गए। उसके बाद जब सेशन खत्म हुआ तो लड़की पीछे पीछे चल के सर के रूम में आई, और जो आप ट्रैक सूट डालते हो, स्पोर्ट्स पर्सन था सर ने वो ट्रैक सूट डाला था, और पीछे से ट्रैक सूट को पकड़ के बोलती है सर कैन यू टीच मी हाउ टू कैच, मुझे ना खेलना नहीं आता, मुझे नहीं खिलाया किसी ने। और सर को लिटरली आंखों में आंसू आ गए। अब इस सिचुएशन को इमिजिएटली आप भी रिफ्लेक्ट करो, हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे 100 प्लेयर के मेडल नहीं आ रहे, आप अपने आसपास के 50 घर में देखोगे तो 100 बच्चे मिलेंगे जो खेलना नहीं आ रहा, जो खेलते नहीं है, और अंदर से एकदम से मन भारी हो गया कि ये सवाल फेस करना पड़ेगा हमें अपने बच्चों से कि मैं खेलना नहीं आता। हम बात करते हैं मेडल की, बड़ी बड़ी चीजें, मीडिया की, बिल्कुल बेसिक एक बच्चा कह रहा है मुझे खेलना सिखा दो मुझे नहीं आता। तो हमें इस तब हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ा, सोचना पड़ा कि हम क्या करें इस डायरेक्शन में। अब उसका सवाल बिल्कुल जायज था, उसको टीचर ने, स्कूल में पेरेंट ने किसी नहीं सिखाया कि खेलते कैसे हैं, बेसिक स्किल्स क्या रहती हैं। और उस दौरान हमें हमने पूरे काफी रिसर्च करी पूरे वर्ल्ड में कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और तब हमें फिजिकल लिटरेसी नाम का वर्ड पता लगा। एक फिजिकल लिटरेसी नाम का वर्ड होता है जो हमारे फ्रेंड है, इंडियन है वो, कनाडा की बैडमिंटन टीम के कोच थे वो,
वो काम करते थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा शब्द होता है, और तब से हमारी कहानी शुरू हुई फिजिकल लिटरेसी करीब 5 साल पहले। और तभी से हम लोगों को इस काम को करके इतना अंदरूनी खुशी मिलती है कि अगर हम आज ऐसा सोचें, इस बारे में कल अभिनव का भी एक इंटरव्यू आया था कि हैप्पीनेस इज द बिगेस्ट गोल्ड मेडल फॉर अ चाइल्ड। हैप्पीनेस, क्या बच्चों खेल से खुशी दे सकते हैं हम, उससे बड़ा सक्सेस क्या होगा। और तब से हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो आज जो मैं कुछ शेयर करने वाला हूं, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं बोलूं ना, मुझे मजा आता जब काम अच्छा हो ग्राउंड पे, क्योंकि वेबिनार, वरना वेबिनार बन के रह जाते हैं और आगे एक्शन नहीं मिलता। तो मैं जो लेके आया हूँ, मैं एक्शन प्लान लेके आया हूँ आज कि हमको दोनों यूनिवर्सिटी को मिलकर क्या करना चाहिए। थोड़ा बताएंगे शुरू में, बट हम क्लोजर इस पे रखेंगे कि ये वेबिनार का अंत नहीं, काम की शुरुआत होनी चाहिए। और वो मुझे बताते मजा भी आएगा गोपीचंद सर को कि हमारा वेबिनार हुआ पर इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी मिलके ये 3 एक्शन लेंगे और ये एक्शन हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है। तो इस दृष्टि से आप लोग भी अपना माइंड ओपन रखिएगा कि हम ना सिर्फ यहां सीख रहे हैं, हम करना चाहते हैं, और ग्राउंड पे करने से ही हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं अपनी। मुझे गुजराती नहीं आती, पर आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इंश्योर किया है कि मैं हर स्लाइड में गुजराती भी आपको दिखे और आप लोगों को दिक्कत ना हो जो लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं। तो जो फिजिकल लिटरेसी, हर्षद शाह सर ने बात की, बिल्कुल सही बोला। फिजिकल लिटरेसी का मतलब होता है अपने आप से, अपने मन से जीवन भर शारीरिक गतिविधियों का चयन करना, अपने मन से करना, अपने अंदर के मन से करना, उसको हम फिजिकल लिटरेसी बोलते हैं। फिजिकल लिटरेसी का जो भी बोल रहा हूं, आप इसको ना तर्क से अपने लेवल पे देखिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक प्रस्ताव है आपके लिए, आप सबके लिए। आपको ये प्रस्ताव एक्सेप्टेड लगता है अपने लेवल पर, अपने घर पे बच्चों के लेवल पर, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए और रीजनिंग करिएगा। ये जरूरी है कि आपके इस सेशन के बाद आप अंदरूनी डायलॉग करो, अपने आप से बात करो कि क्या ये सही था, क्या मेरे परिवार में ही काम आएगा। उस दृष्टि से जरूरी है कि आप एक अंदरूनी डायलॉग करो। जो फिजिकल लिटरेसी कंसेप्ट की मुझे बहुत प्रेरणा मिली, हम गोपी सर भी इनको गुरु मानते हैं, इनका नाम है मार्गरेट व्हाइटहेड। ये 85 साल की एक रिसर्चर हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, और इन्होंने ये कंसेप्ट बनाया था फिजिकल लिटरेसी, करीब 20 साल से इस पे काम कर रही हैं। और मैं इनके बहुत थैंकफुल हूँ कि जो इन्होंने एक नया पहलू दिया खेल को, उस फिजिकल एजुकेशन को, और इन्हीं की बुक को लेके हम ज्यादातर काम करें। इन्हीं की बुक्स 2010 में छपी थी, 2018 में दूसरी बुक आई थी। इनकी दूसरी बुक में एक भारतवर्ष का भी चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने एक चैप्टर लिखा है कि भारत में फिजिकल लिटरेसी कैसा होना चाहिए। हमारी टीम का, गोपीचंद सर का एक चैप्टर है इनकी सेकंड बुक, जो फिजिकल लिटरेसी है। तो सबसे पहले एक वीडियो से शुरू करता हूँ। ये वीडियो हम लोगों ने गोपी सर से ही बनवाया है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, इससे काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी फिजिकल लिटरेसी किस डायरेक्शन की बात कर रहा है। Crawling, walking, running, throwing, jumping, squatting, all these as a sequence would probably be called physical literacy. Physical literacy as a word was coined by the British scholar Margaret Whitehead. We in the last few years as a nation have focused on making this country alphabetically and numerically literate. But in the bargain, we've lost on a very important aspect, and that is physical literacy. If you look at India as a country, we've always
looked at physical literacy as a very important component. We may not have used the word physical literacy, but our culture actually had physical activity as a key component, whether it's yoga, kalari, or our art forms of Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali. All of these things were movement-based. Our things like temples being on hilltops and yatras needing us to move a lot, or our culture of sitting down and eating, or bending to elders, all of these things actually had physical movement incorporated into our lifestyles. How many kids in today's day and age have thrown a ball as far as it can go, or as high as it can be thrown? If the boundaries of your physical being are not being explored, how can you even think of your mind to be a visionary? I think the last few years has seen a steady rise, an alarming rise, in the number of lifestyle diseases which have come. The decline of physical literacy has led to increase in lifestyle diseases. Kids having diabetes very young, heart rates being very high among professionals very young. The number of people who have had back issues has been tremendous. The diabetes issues have been tremendous. Obesity has been tremendous. Kids, a majority of the kids ending up with flat foot, and many of them not able to do simple things like running backwards. I think these are major issues for a nation which is so young. Because from a health perspective, from a happiness perspective, from a mental health perspective, from a community perspective, I think addressing physical literacy solves many of these problems. In the last 2 years, we've had great public engagements. We've gone ahead and done things where people have come together to support physical literacy, to be part of the journey. We've gone ahead to try and influence governments to ensure that public policy incorporates physical literacy as a key component, and to have multiple ministries come together to own physical literacy. We've gone to education departments to tell them the importance of kids playing sport. It is beyond medals is what we are talking about, and that is what in the next few years we need to build on. As a nation, we are at a point where we need to intervene. We need to implement what the learnings have over the past few years. We have met scientists, we have met scholars, we have met people who have worked in the field to come together with a plan which ensures that as a nation, we start to become more physically literate. It's time for us to move further. It's time for us to organize this into a setup which is more sustainable. More research, which is important, more advocacy, which is important, more policy, which is important, because each state is different, each city is different, each community is different. So what works in Kerala may not work in Kashmir, what works in Gujarat may not work in Mizoram. I think it's very important for us, the breadth and length and breadth of the country has different cultures, and it's very important that we incorporate that which is existing into the policy to ensure that each one of us is moving and taking advantage of being physically literate. In the last few years, successive governments have spoken about the importance of sport. I think steadily over the years, investment in sport has gone up. People have started looking at sport differently from what they've looked at in the last few years. Government has looked at yoga very differently. Today, World Yoga Day has started off, and people across the country have started to do running as a major activity, yoga as a major activity. It's time to deepen this further. So I request governments to come be part of this journey, to share this vision and to build on this vision to ensure that there is a population which is happy, which is healthy, and which has access to the activities which can be done physically. It's time for governments to invest, it's time for corporates to invest, it's time for citizens to participate, and it's time for all of us to come together as a nation to build on physical needs.
आई थिंक आप लोग अब कनेक्ट कर गए हैं कि फिजिकल लिटरेसी सिर्फ ड्रिल्स या फिजिकल एजुकेशन के काफी बियॉन्ड है. स्पेशली जो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि हमें कल्चर को पकड़ना पड़ेगा दोबारा से. हमारा ग्रास रूट कल्चर क्या है, जो गुजरात में काम करता है वो मिजोरम में नहीं करेगा. हर राज्य का अलग अलग तरीका है फिजिकल एक्टिविटीज का, और उस कल्चर में छोटी छोटी चीजों ने जिक्र की कि हमें मंदिर पे जाना, पेरेंट्स बड़ों के लिए झुकना, बैठ के खाना, जो हमारे कल्चर में पहले से लिखित है, हमारे कल्चर में पहले से बात होती थी, वो सब भी बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं. और एक तरीके से बात करें एजुकेशन पार्ट में, कि जहां फिजिकल एजुकेशन काफी हद तक पूरी तरह से नहीं, हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं एक बड़ा रेजिमेंटेड डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, उससे फिजिकल लिटरेसी शिफ्ट कर रहा है कि फिजिकल लिटरेसी बड़ा ही लिबरल और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है. लिबरल है ये फोर्सिंग नहीं है. ये नहीं बोल रहा कि आपको ये 10 ड्रिल ही करनी है अपने स्पोर्ट्स की. ये कह रहा है आप जिस भी तरीके से मजा कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, उसको आप अडॉप्ट करो. क्योंकि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटीज के आपके एक्सपर्ट्स हैं, मैं इसलिए पार्ट ऐड करना चाहता हूं कि जो हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात भी करते हैं, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट, फिजिकल लिटरेसी उसकी बात करता है, और ये लिबरल है अपनी अप्रोच को लेके. जब ये आप लोगों का एमओयू के बारे में मुझे नहीं पता था, पर जब मैंने सुना तभी मुझे फिजिकल लिटरेसी के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता. हम कोलैबोरेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो गुजरात स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी के पास है. चिल्ड्रन का नीड क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होता है, बच्चों का लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, उन सब बच्चों को वैल्यूज क्या मिलनी चाहिए, ये सब हमारे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के पास है. और दोनों मिलकर हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल लिटरेसी का गोल है, जीवन भर एक्टिव रहने वाले बच्चे, इसको शिफ्ट करना. क्योंकि हम अभी क्या सोचते हैं, हमें फिट इंडिया कराना है, खेलो इंडिया कराना है, हमें अभी असेसमेंट करना है. यहाँ गोल क्या है कि जिंदगी भर वो बच्चा एक्टिव रहे, ऐसे बच्चे तैयार करने, अपनी मर्जी से खेलें कहीं भी जाकर जो भी उनको पसंद हो, पर जिंदगी भर सक्रिय रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे में समाज को देने हैं जो खुद फिजिकली एक्टिव हों, परिवार को फिजिकली एक्टिव करें और कम्युनिटी को फिजिकल एक्टिव. तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो ज्यादा इसकी डायरेक्शन हम स्कूल के बारे में सोचते हैं. एक स्ट्रक्चर एजुकेशन होता है जिसके थ्रू हम सब बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ये यूनिवर्सल है. स्पोर्ट्स में हम ज्यादा बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन कितना बढ़ा, खेल महाकुंभ में कितने बच्चे खेले, नेशनल गेम कितने गए गुजरात से, उसके आगे ओलंपिक में कितने गए गुजरात से. तो खेल का जो माध्यम है उसमें हम ये चाहते हैं खेल ग्रो करे. गुजरात में एथलेटिक्स खेलने वाले 500 से 1000 बढ़े, खो खो खेलने वाले 1000 से 2000 बढ़े. जबकि फिजिकल एजुकेशन हम ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन राइट है. यूनाइटेड नेशन ने तो शायद 1970s में डिक्लेयर किया था राइट टू प्ले एज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी चाइल्ड. फंडामेंटल राइट टू एवरी चाइल्ड इज राइट टू प्ले. तो फिजिकल एजुकेशन उस बारे की बात करता है कि राइट टू प्ले हैज टू बी देयर इन एवरी चाइल्ड इन एवरी स्कूल इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो शारीरिक शिक्षा से उनको मिल सकता है. अब हम कैसे माने कि फिजिकल एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, क्या मापदंड हो सकता है हमारे पास, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास आसानी रहती है और ये हम ज्यादा मेजर कर लेते हैं. कितने लोग खेलने वाले हैं, कितने लोग फुटबॉल में बढ़े, कबड्डी में बढ़े, वॉलीबॉल में बढ़े, नेशनल कितने गए, स्टेट लेवल कितने गए, ये मैट्रिक्स अवेलेबल आसानी से हो जाता है. और जो दूसरा है कि फिजिकल एजुकेशन कैसे चेक करें कि इंप्रूव हो रहा है, तो इसको शायद हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे गुजरात राज्य में कितने प्रतिशत बच्चे अभी फिजिकली फिट हैं,
कितने प्रतिशत बच्चे और खेलना चाहते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे शाम को 5 बजे बोलते हैं अपने पेरेंट्स को मुझे खेलने जाने दो, अंदर से मन कितने बच्चों का खेलने का बनाया है, कितने प्रतिशत बच्चे उनको फोन और खेलने में चॉइस मिले तो फोन रख के खेलने जाते हैं। ये मापदंड है समाज के, जब हम बोले कि फिजिकल एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, खेल में रुचि बढ़ रही है, अपने जो ग्राउंड है, क्लब्स हैं, हर जगह लोग एक्टिव हो रहे हैं, खेल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिजिकल एजुकेशन हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये यूनिवर्सली सबके लिए है और इसका मापदंड बहुत मुश्किल है करना। बहुत सारी जगह पर हम इसको ओबेसिटी या ऐसे एट्रीब्यूट से मेजर करते हैं स्वास्थ्य के जरिए। अब ये जो चीजें स्पोर्ट्स और हेल्थ को लेके, ऐसा हम सोचते हैं कि अरे एक मेडल आएगा सिंधु का और लाखों लड़कियां बैडमिंटन खेलने लगेंगी, ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि हम बोलते हैं इंस्पिरेशन मिलेगा, गुजरात में एशियन गेम्स का मेडल आया तो और लड़कियां एथलेटिक्स करेंगी। तो मैंने सोचा कि इसको हम कुछ फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं। एक डाटा मिला कि पूरे देश में 30 लाख रजिस्टर्ड क्रिकेटर्स हैं हमारे, 30 लाख रजिस्टर्ड क्रिकेटर हैं, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रिक्ट टीम में, स्टेट टीम में, अकेडमी में रजिस्टर्ड हैं क्रिकेटर्स। सबसे पॉपुलर गेम भारत का, 140 करोड़ में से 30 लाख क्रिकेट खेलते हैं। अब यूरोप का कोई भी कंट्री ले लो, पॉपुलेशन 5 करोड़, खेलने वाले कम से कम 5 मिलियन, 50 लाख एक स्पोर्ट्स के, 5 करोड़ में से 50 लाख कोई एक स्पोर्ट्स खेलते हैं। पर दूसरा देखे तो भारत आखिरी में है जहां हमारे फिजिकल एक्टिविटी सबसे कम होती है, टॉप में हम इनसफिशियंट एक्टिविटीज के लिए। एक और रिसर्च आया कि 50% भारतीय एक्टिव ही नहीं है। बैडमिंटन का जिस पिछली हम लोग इन्वॉल्व है, मैंने डाटा निकाला बैडमिंटन एसोसिएशन के डाटा से कि हमारे यहाँ 40,000 रजिस्टर्ड प्लेयर हैं बैडमिंटन के, 40,000, 140 करोड़ में से 40,000, पर हम मानते हैं बैडमिंटन बहुत फैल रहा है। अब वो बहुत बड़ा सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और एक अलग तरीका क्या हो सकता है, अगर हमारे मेडल आता शूटिंग का आया, बैडमिंटन का आया, कितने नए लोग गए खेलने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और कितने बच्चे लंबे तक खेलते रहे। अभी आप टूर्नामेंट देखोगे तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1,000 एंट्री, नेशनल लेवल पर 5,000 अंडर 13 में, सीनियर लेवल 50 एंट्री, 20 एंट्रीज, तो खेलने वाले शुरुआत 5,000 किए, छूट गए बहुत सारे। ये कुछ डाटा इसलिए शो कर रहा हूं कि हमें बहुत नई चीज सोचने को मिली कि हम जैसा देखते हैं वैसा पूरी पिक्चर नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज, 75% हमारी पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट हो रही है। एक और फैक्ट देखा, आप सब लोग तो खेलो इंडिया के बारे में जानते हो, गुजरात की भी स्कीम्स रही हैं कि ओलंपिक स्पोर्ट जब हम खिलाना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट, तो सालाना कितना खर्चा आता है, मैंने बैठे कैलकुलेट किया, आप भी जानते हो इस बारे में, करीब 3 लाख खर्चा है सालाना ओलंपिक स्पोर्ट्स खिलाने का, इसमें जूते, टूर्नामेंट, ट्रैवल, कभी इंजरी हुआ वो खर्चा मिला के चले तो। और खेलो इंडिया का बजट भी लगभग 5 लाख पर ईयर है। जो वर्ल्ड का डाटा है वो है $10,000 एक साल का ओलंपिक खिलाने का खर्चा, ओलंपिक कोई भी स्पोर्ट खिलाने का, $10,000 मतलब 8 लाख लगभग, इतना खर्चा है हमारे पास। अब इस खर्चे को देखते हैं भारत में टैक्स पेयर कितने हमारे, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि जब इतना खर्चा है तो कितने लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं। 50 लाख से ऊपर वाले सैलरी 1%, 10 से 50 लाख वाले 7%, 5 से 10 लाख 17%। तो ये तो मानना पड़ेगा कि 5 लाख से ऊपर तनख्वाह हो तो कोई 2-3 लाख खर्चा करेगा उस चीज को लेके, पर टोटल है 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ का 20%, 30 लाख, 30 लाख लोग हैं जो कंटिन्यूअसली मतलब बगैर किसी सपोर्ट के भारतवर्ष में अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स करा सकते हैं। और ये मैं नंबर इसलिए जान के बताना चाह रहा हूं कि
हम इसको पहलू से हटा देते हैं। हमारे एकेडमी से तो सपोर्ट बच्चों को तब तक है जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, फिर बच्चा निकल जाता है उससे। तो जो हम बात करते हैं फिजिकल लिटरेसी की, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर एजुकेशन की तरह ही है जो होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अफोर्डेबिलिटी कितना है एजुकेशन का, तभी बच्चे को 10 साल तक कराएंगे, वो गवर्नमेंट स्कूल वही काम कर रहे हैं। पर स्पोर्ट्स का अफोर्डेबिलिटी बहुत ही कम है, ऐसा डेटा के थ्रू देखने को मिला। फिर जो स्पोर्ट्स का मॉडल था उसमें क्या होता कि एक ऐसा सोचता है एक चैंपियन आएगा बहुत सारे लोग खेलेंगे, एक चैंपियन आएगा बहुत सारे लोग खेलेंगे। तो वो मॉडल क्या लगा, ऐसा मॉडल है स्पोर्ट्स का, डिस्ट्रिक्ट खेलो, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे जाओ, स्टेट से नेशनल पे जाओ, नेशनल से इंटरनेशनल, और अभिनव बिंद्रा जी बन जाएंगे। ऐसे एक चैंपियन मिल जाता है स्पोर्ट्स करते करते। अब इसको अलग तरीके से देखते हैं जरा, थोड़ा मैं हार्श वर्ड यूज करूंगा इंटेंशनली आप लोगों की सेंसिटिविटी जाने तक। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या टूर्नामेंट है, हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल वो टूर्नामेंट है जहां हमने डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट टैलेंट ढूंढते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल वो टूर्नामेंट है जहां लाखों बच्चों को हम स्पोर्ट से निकाल देते हैं, लाखों बच्चों को स्पोर्ट से निकालते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। टूर्नामेंट में जाते हैं 500 लोग, मेडल 3। उस दौरान क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में, जब बच्चा हार के वापस आता है, अब और मत खेलना भाई, अंडर 13 पे ही बोल रहा हूं, जजमेंट हो जाता है, या तो खेल या पढ़ाई, मेडल तो आ नहीं रहा, आप खेलना शुरू कर दो। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्ट्रक्चर तरीके से लाखों बच्चों को हर साल स्पोर्ट से निकाल देता है क्योंकि मेडल 3 है। अब अहमदाबाद में अगर बैडमिंटन 300 के भैया 3000 बच्चे भी खेलेंगे तब भी मेडल 3 है। तो जो 290 घर मायूस थे अब वो 2990 बन गए। वो खेलने आए, बच्चों को इंटरेस्ट था, पर हमारी सोच काफी तक ऐसी है कि स्पोर्ट्स मतलब आगे जाना चाहिए, आगे नहीं जा रहा तो बच्चों को स्पोर्ट्स से निकाल लेते। पर इसका सामाजिक का प्रभाव क्या देखेंगे कि कम्युनिटी में क्या बात होगी, अरे तुम्हारा बच्चा क्या हुआ, अरे वो गए थे कुछ नहीं आया रिजल्ट। मैं भी कहता हूं बच्चों को मत खिलाओ पढ़ाओ। इसका जो सामाजिक प्रभाव है वो साइलेंट रूप से बहुत ही सीरियस है। ऐसा ही स्टेट लेवल पर होता है, ऐसा ही नेशनल लेवल पर। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा है कि अगर 1 लाख बच्चे शूटिंग करते थे जब अभिनव जी खेलते होंगे, उसमें से हमें एक चैंपियन मिला, अगले 15-20 इंटरनेशनल प्लेयर बने, कुछ लोगों को नौकरी मिला, बट 99,000 बच्चे स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े रहे। अगर वो 99,000 जुड़े होते तो शूटिंग खेलने वाले स्टम करोड़ों होते हैं। तो ये एक सामाजिक चीज है जो हमें सोचने की जरूरत है। तो इससे मैं क्या प्रभाव डालना चाह रहा था कि स्पोर्ट्स में ग्रोथ हो रही है, जब थोड़ा सक्सेस आता है कुछ लोग और खेलते हैं, सिर्फ कुछ हजारों में लोग बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, 2 से 3 हजार हुआ, 3 से 4 हजार हुआ। फिजिकल एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इनएक्टिव हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा हमारा फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न। और हेल्थ, ऑलमोस्ट कह रहे हैं हेल्थ तो पोटेंशियल टू हर सिटीजन को लाइफस्टाइल डिजीज हो सकता है हर सिटीजन को, तो कौन सी प्रॉब्लम को पकड़े। फिजिकल एजुकेशन को यूज करें स्पोर्ट्स तक लाके कुछ हजारों को ठीक करने के लिए, या फिजिकल एजुकेशन को हेल्थ में ले जाएं 140 करोड़ को बेहतर करने के लिए। ये फैक्ट हमें उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आप चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में है तो ये डाटा मुझे मिला कि भारत की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो हमारा आप देखिए बहुत सारी पॉपुलेशन 30 साल से कम है, यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं भारत के लिए बहुत बड़ा असेट है। पर जरा 30 साल बाद की पिक्चर देखें तो क्या होगा कि यही जो बच्चे हैं ये लेट एडल्ट्स में होंगे 30 साल बाद, 20 साल वाला 50 साल का होगा, और हमारे यंग पॉपुलेशन कम होती जाएगी, हम भी ओल्डर पॉपुलेशन की तरफ जाएंगे। तो जो हमारे
अंडर 30 के अगर यूथ या बच्चों की बात करें, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं हुई, अगर वो फिजिकल एक्टिव नहीं हुई तो हमारे लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी वो यूथ बनेंगे, जो भी असेट लगते हैं, अगर वो फिजिकली एक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं हुए। तो ये हम एक पूरी पिक्चर को दिखाना चाह रहे हो कि हमारा सोच जो ट्रायंगल है उसको हम अगर थोड़ा रेक्टेंगल शेप में ले आए, ऐसा विजुअलाइज करें कि सभी बच्चे हैं जिनको फिजिकल एजुकेशन मिलना चाहिए, उन बच्चों में से कुछ लोग एथलीट बनना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी के 10-15 साल स्पोर्ट्स को देते हैं, और बाकी लोग जो अडल्ट हैं वो हमारी हेल्थ है। तो ये पिक्चर आपके माइंड में आपके लिए जरूरी है जब आप चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स को कनेक्ट करोगे कि हम कनेक्शन डॉट कैसे करेंगे। और हम बात करें फिजिकल एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स और हेल्थ पूरी पूरे भारतवर्ष के लिए। और ये जो आपसे प्रस्ताव रख रहा हूं इसको आप थोड़ा अपने आप ही जांचिएगा, जो मैंने शुरुआत से बोली थी, आपको अपने लिए क्या पॉसिबल लगता है? मैं ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकता हूं या मैं लाइफ लॉन्ग फिजिकली एक्टिव रह सकता हूं? आप अपने लेवल पे जांचिएगा, फिर क्या करिएगा, आप अपने परिवार के जाके हर सदस्य को ध्यान से देखिएगा, आज अपने बच्चों को, बड़ों को, अपने स्पाउस को, और एक मिनट के लिए सोच लाइएगा कि मैं उनको क्या गिफ्ट दे सकता हूं। मैं अपने परिवार में सिर्फ स्पोर्ट्स वाले एंगल लाऊं या सबके लिए मैं स्वास्थ्य की बात कर सकता हूं, जो मेरे पिताजी के लिए भी बराबर है, बच्चों के लिए भी जरूरी है, पति पत्नी के लिए भी जरूरी है। अब चेक करिएगा कि आपका फीलिंग कैसा जनरेट होता है। फिर सोसाइटी की बात करते हैं कि हम कैसे विजुअलाइज करें। हमारा एक कैंपस है चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, हमारे कैंपस में एक सोसाइटी है जो सभी लोग स्वस्थ हैं, इतने स्वस्थ हैं कि हमारा अगला मेडिकल स्टोर 10 किलोमीटर दूर है, जरूरत ही नहीं है, अगला हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर है। या दूसरा ऐसा विजुअलाइज करें कि मेरे मेरी कॉलोनी में एक नेशनल मेडलिस्ट रहता है, किसमें आपको हो सकता है अभी आपको प्राइड इस साइड लगे कि हमारी कॉलोनी में ये रहता है। अब ध्यान से सोच के एक बार विजुअलाइज करिए, जब गोपीचंद अकेडमी यहां खुली गच्ची बोली में, तो रिजल्ट तो आई। आपको एक और इसका दूसरा रास्ता बताता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अकेडमी खुली, बच्चे सुबह आते हैं, उनके माता पिता भी 4 बजे उठते हैं, वो उनको छोड़ के वॉक करते हैं, उनकी माता जियों को भी अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, जो उनको खाने में टिफिन मिलता है कोचिस चेक करते हैं अच्छा खाना दिया कि नहीं। और मेरे मित्र ने बताया मुझे कि अकेडमी के कारण सब लोग जल्दी सोने लगे, पूरा सोसाइटी कम्युनिटी में, आसपास की कॉलोनीज में, और उसके कारण रेस्टोरेंट और बार्स बंद होने लग गए, नाइट लाइफ खत्म हो गई धीरे धीरे कर। और मैं भी बहुत अमेज था कि एक खेल के कारण कितना समाज से प्रभाव है, शायद वो हम उस दृष्टि से नहीं देख पाते। सेम वे कंट्री के लिए भी, कि अगर हमारा सारा यूथ प्रोडक्टिव होगा, सभी बच्चे एक्टिव होंगे, तो हमें कैसी फीलिंग आएगी? आज हम बात कर रहे हैं हमारे 100 ओलंपिक मेडल आ जाएं, और मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं, हमारे 50-30 करोड़ के 30 करोड़ बच्चे, उनको जिंदगी भर कोई बीमारी ना, वो जिंदगी भर स्वस्थ रहे, फिजिकली एक्टिव हो, वो ग्राउंड पे आए तो जोश लगा से काम करें, काम पे जाए मन लगाए काम करें। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि हम अपने इस गोल तक, जो मैंने आपसे प्रस्ताव रखा, शुरू से कह रहा हूं प्रस्ताव है आपके लिए, मैं आपसे प्रस्ताव रख रहा हूं कि भारत में हमें हर एक बच्चे को फिजिकली एक्टिव करना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गोल अगर हम लेके चलें। तो गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं कि जब मैं पीई टीचर के पास गया बहुत बार, एक तो थे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग जहां पर हम 2 बच्चों को सिखाते हैं सिर्फ, जो पोटेंशियल है मेडल वाले, या मास पार्टिसिपेशन कराते हैं। ये मास पार्टिसिपेशन मैंने देखा ड्रिल,
बहुत अच्छा ड्रिल है, सब लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, पर यहाँ बड़ा भारी सवाल मन में आया। अब आप ड्रिल भूल जाइए, सीटी भूल जाइए, फिर बच्चों के चेहरे देखने हैं। और सवाल यह है कि क्या ये बच्चा, क्या ये स्टूडेंट इसको एंजॉय कर रहा है, क्या वो दोबारा जाके इसको रिपीट करना चाहेगा, क्या उनके लिए एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। दूसरा है कि इसमें बच्चा सीखता क्या है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा फिजिकल एजुकेशन गलत है, मैं सिर्फ ये आपका डालना चाह रहा हूं कि हम बात कर रहे थे बच्चे लाइफ लॉन्ग एक्टिव हो, अपने मन से खेलें। जब अपने मन से वो खेलेंगे तो उनका आज का एक्सपीरियंस जरूरी है, उनको अनुभव क्या मिल रहा है आज। और अनुभव के लिए हमें ड्रिल की बजाय ये ध्यान देना है कि उनका चेहरा क्या बता रहा है, कि बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, क्या वो दोबारा इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए। अगर उनको ऑप्शन मिले इसके बजाय कुछ और खेलने, क्या वो खेलना चाहेंगे। तो कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स नजर आने लगी। ऑफकोर्स जैसा शुरू में बताया कि हमने काफी राज्य के साथ काम किया, तो ग्राउंड पे स्थिति भी समझ में आई कि फिजिकल एजुकेशन का जो नजरिया है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, उसे बहुत काम करने की जरूरत है। पर मैं बात कर रहा हूँ जो हम कर सकते हैं, जो चक दे इंडिया बोलते हैं ना, वो 35 मिनट, वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ उन 70 मिनट की जब बच्चे और हम होते हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बच्चों को फिजिकल लिटरेसी की तरफ ले जाने की, उनकी बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या नजर आया कि हम बच्चों के अनुभव पे ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा, ज्यादा स्पोर्ट्स की बात हो रही है, एकदम से नजर, अरे ये बहुत तेज भागता है, इसको रेस में लगाते हैं। सोच क्या रहती है कि काश मुझे इस सेशन से कोई टैलेंट मिल जाए। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, ऐसा सोचो ना कि हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा टैलेंटेड है। और अगर हम फिजिकल लिटरेसी लैंग्वेज की बात करें, हम शब्द कोश से हटा दें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, हम प्रतिभा कोश करेंगे ही नहीं, हम उसको रिप्लेस करेंगे टैलेंट मैपिंग से। हम उसकी प्रतिभा के चयन में हेल्प करेंगे, प्रतिभा माप करेंगे। सब्जेक्ट में ऐसा होता है, 10 सब्जेक्ट है, आपको मैथ पसंद नहीं आया, साइंस में अच्छा कर लेते हो, साइंस पसंद नहीं आया, आर्ट्स में अच्छा कर लेते हो। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम बच्चों को जज करने की बजाय अपना बेस्ट एफर्ट देंगे कि हर बच्चा आज थोड़ा सा और ज्यादा आगे बढ़े। वो 100 मीटर अच्छा भागता, उसको थोड़ा और बढ़ाना है, उसका मन नहीं करता, थोड़ा मन और ज्यादा करे। तो ये कुछ हमें ग्राउंड लेवल पे नजर आए। तो जो फिजिकल लिटरेसी की डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूं। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप सरल भाषा में ये याद रख सकते हैं, अपने लिए जीवन भर के लिए शारीरिक गतिविधियों का चयन करना ही शारीरिक साक्षरता है। साक्षरता शब्द यूज किया गया है, हम जब लिटरेसी मिशन की बात करते हैं बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का, तो ये बिल्कुल सेम पोजीशन मांगता है। बच्चा अल्फाबेटिकली लिटरेट है, न्यूमेरिकली है, तो फिजिकली भी होना चाहिए। जब बच्चे को आप गुजराती लिखना सिखाते हो पहली क्लास में, पांचवी क्लास में, तो जिंदगी भर गुजराती बोलता है, वो भूलता तो नहीं है ना। मैथ सिखाते हो उसको, वो मैथ पास करता है, और गुजरात तो फेमस है बिजनेस के लिए, तो जिंदगी भर मैथ यूज करता है वो अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में। ऐसा ही फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल लिटरेसी है तो हर बच्चा जिंदगी भर डेली फिजिकल एक्टिविटी यूज करेगा, अपने परिवार में अपने साथ साक्षर बनेगा वो। हमें शारीरिक साक्षरता चाहिए। तो इसमें जो कुछ शब्द यूज किए गए हैं कि शारीरिक साक्षरता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मोटिवेशन अंदर से मन करना, कॉन्फिडेंस विश्वास, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग समझ रखना, फिजिकल कॉम्पिटेंस शारीरिक क्षमता, कि ये चारों चीजें हों जिंदगी भर अपने आप को सक्रिय करने के लिए। तो जो सर ने शुरू में बोला था बिल्कुल सही बोला था कि फिजिकल लिटरेसी फिजिकल की बजाय साइकोलॉजिकल भी है, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की बात करता है कि अगर वो नहीं है तो आप पूरी नहीं कर पाओगे कहानी।
ये छोटा सा वीडियो फिजिकल लिटरेसी को कनेक्ट करने के लिए इट्स अबाउट फर्स्ट स्टेप्स एंड एक्टिव प्ले. It's about being active with friends and family. It's about recreation and being outdoors. It's about learning and practice. It's about education, making progress, and a greater understanding. It's about fitness, challenge, competition, and the success it could lead to. It's about expression, performance, imagination, and culture. It's about enjoyment, every day and for life. This is physical literacy, the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. Physical literacy, choosing physical activity. इसमें आपने वीडियो में देखा कि बच्चे का पहला स्टेप से लेके जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक का जो जर्नी है उसको हम फिजिकल लिटरेसी बोल सकते हैं. और ये सीमित नहीं है सिर्फ बचपन तक. बचपन फाउंडेशन देने का सबसे अच्छा समय है, इसीलिए चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ज्यादा रिकमेंड किया गया है. पर अगर हम छूट भी गए शुरुआत में तो भी हम इसको पकड़ सकते हैं. हमें एक ऐसा माहौल बनाना है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें फिजिकल एक्टिविटीज में आगे बढ़ने के लिए. सिंपल वर्ड में बोले तो इट इज एन एटीट्यूड. फिजिकल लिटरेसी एटीट्यूड है. कुछ भी हो जाए मैं तो एक्टिविटी कुछ करूंगा, मुझे मजा आता है, आई लुक फॉरवर्ड कि आधा घंटे मुझे खेलने को मिलेगा, कोई भी एक्टिविटी करना चाहूंगा. तो फिजिकल लिटरेसी को ऐसा हम सिंपल याद कर सकते हैं. फिजिकल लिटरेसी में जो आपने तीन चार वर्ड्स सीखे, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, विश्वास, समझ, तो इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है फिजिकल, शारीरिक क्षमता, स्किल की बात करते हैं हम, वो पर पूरी पिक्चर नहीं है. इसमें क्या होता है, दूसरा अफेक्टिव, फीलिंग, लगन कैसे लगी मुझको बार बार करने का, अंदर से ऐसा मन करता है कि दोबारा खेल लूं और खेल लूं क्या, और मुझे खेलते विश्वास आता है. गुजरात में जैसे आप अपने जो गरबा डांडिया आपका तो लोकल कल्चर है इतना स्ट्रांग, उसमें बच्चों को विश्वास कैसा था, धीरे धीरे वो पहली बार जाएगा पेरेंट्स साथ फिर सीखना शुरू करेगा. तो दूसरा पार्ट क्या बोला गया, अफेक्टिव का, और तीसरा कॉग्निटिव, सोच वाला. तो सिंप्लीफाई करें तो फिजिकल लिटरेसी क्या बात करता है, संयोजन होना चाहिए शरीर का, मन का, भावना का. क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी क्लास होती है, आप ये एक और आपके क्वेश्चन दे रहा, आप सोच के देखिएगा, आप किसी से पूछिएगा अपने किसी मित्र से घर परिवार में कि आप क्यों वर्कआउट करते हैं या क्यों फिजिकली एक्टिव नहीं है, और आपको यह आंसर नहीं मिलेगा कि मैं पुशअप नहीं कर पाता. आंसर क्या मिलेगा, उठा नहीं जाता यार सुबह सुबह ना, मन नहीं करता. तो इसमें इश्यू क्या है, इश्यू है मोटिवेशन का, कि मुझे अंदर से मोटिवेशन नहीं हो रहा. कि दूसरे से क्या बोलूं, यार मैं ना फुटबॉल खेला नहीं आज तक, तो डर सा लगता है, ऐसा विश्वास नहीं आता अंदर से. उसने ये तो नहीं बोला कि फुटबॉल का किकिंग नहीं आता, बात है विश्वास की. और मैं आपको दावे से बोल सकता हूं 100 के 100% लोग जो सक्रिय नहीं है उनका कारण ये नहीं है कि उसको स्क्वाड की पोजीशन नहीं पता, उसे अंदर से मानसिक तरीके से अनुभव नहीं मिला खेल का. अब खेल का अनुभव नहीं मिला तो मुझे थोड़ा संकोच रहता है, डर लगता है, या मेरी
प्रायोरिटी नहीं बनते। ये भी आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आप चेक करिएगा और कि क्यों फिजिकल लिटरेसी आपके घर में भी इक्वली रेलेवेंट है। तो जैसे जर्नी का बात किया, फिजिकल लिटरेसी बचपन से लेके आपकी पूरी उम्र तक की एक पूरी कहानी है जिसको हम फिजिकल लिटरेसी की बात कर सकते हैं। इसमें दर्शाया गया है कि एक छोटी बच्ची थी और वो कैसे अब ग्रैंड मदर बन के अपनी पोती को खिला रही है। ये जर्नी है जिंदगी का, कोई भी पड़ाव आए हम हर एक के साथ फिजिकली एक्टिव रहें, ये जर्नी की बात करते हैं हम। थोड़ा मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं अरे ये तो थ्योरी है, इसको ग्राउंड पे कैसे ले जाएंगे। तो पहली चीज जो की गई फिजिकल लिटरेसी में, उन लोगों ने स्पोर्ट्स की बजाय इसको मूवमेंट से कनेक्ट किया, मूवमेंट से इसको कनेक्ट किया। पहला मूवमेंट होता है कंपटीशन, जो आप स्पोर्ट्स जानते हो, स्पर्धात्मक गतिविधियां जहां पर आप कंपटीशन करते हो, मैं तेज भागूंगा, मैं स्पोर्ट्स में फर्स्ट आऊंगा, उसको हम बोलते हैं स्पर्धात्मक गतिविधियां। पर ये सिर्फ एक तरीके के बच्चों को एक्साइटमेंट दे सकते हैं, जो बच्चे खुद कॉम्पिटेटिव है, इनको आगे बढ़ना है, उनको मजा आता है। एक टाइप क्या होता है एडवेंचर टाइप की एक्टिविटी, साहस वाली एक्टिविटी। आप याद करो बचपन में टेबल से जंप करना, गांव में जाके तालाब में जंप करना, वो सब जो एक्टिविटीज है उनको हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा बच्चों को साहस में लेके जाता है, थोड़ा एडवेंचर दिलाता है। तो ये दूसरी टाइप की एक्टिविटी है जिसको हम साहस एक्टिविटी बोलते हैं। तीसरा गुजरात का ही मेन है एस्थेटिक एक्सप्रेसिव, जहां पर आप सौंदर्य लगने वाले एक्सप्रेसिव आर्ट को लेके चलते हो। अब एक्सप्रेसिव कॉम्पिटिटिव देखिएगा, हमारे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका ज्यादा रुझान रहेगा डांस में। जो एस्थेटिक एक्सप्रेसिव भी एक तरीके की फिजिकल लिटरेसी की मूवमेंट फॉर्म है। आपके कल्चर में जो हमारे जो भी डांस फॉर्म है सब इसी पे फोकस करते हैं कि वो दिखने में अच्छा लगे, तालमेल अच्छा लगे। एक गतिविधि होती है एथलेटिक की, जिसमें आपका दौड़ना, थ्रो करना, ये सब एक्टिविटीज आती हैं। हेल्थ और फिटनेस की, जिसमें आता है आपका योग, निंद्रा अच्छी, आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन का। और आखिरी आता है सोशल इंटरेक्ट की, सामाजिक तौर पर हम लोग इकट्ठे होके खेले। तो उन्होंने एक मॉडल में शिफ्ट किया गया फिजिकल लिटरेसी में कि हम स्पोर्ट्स को हटा दें, ये छह मूवमेंट फॉर्म हर बच्चे को दें, छह की छह जो मूवमेंट फॉर्म है। इसके मैं एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं कुछ आपको। जैसे पहला एग्जांपल अभी ये वाला सीन, ये बच्चे खेल रहे हैं, आप मुझे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है किसी साइड से, अगर ऑर्गेनाइजर एक बार म्यूट कर सकें। अभी भी आवाज आ रहा है कहीं से। चेतवा सर एक बार आप क्लिक कर सकते हैं। हेलो, कोई ना माइक तुम्हें कही दियो, पाछड़ आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हो गया शायद। तो ये ना आप गेम, आपको सब पता है, मुझे वो नहीं दिखाना था। इसमें मैं सिर्फ एक क्या बात चाह रहा था कि अब जैसे कोई भी गेम है, जब मास ड्रिल हो रहा था तो कुछ लोग एक्टिव थे, कुछ लोग एंजॉय नहीं कर रहे थे, सीटी का वेट करना है, ड्रिल करना है। ये सब जो लोकल गेम्स भी अपने,
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सभी के सभी लोग एंगेज थे, सभी के सभी लोग पूरे अटेंटिव थे। पिट्ठू में किसकी बारी आएगी, कबड्डी में किसकी बारी आएगी, खो खो में किसकी बारी आएगी। और फिजिकल लिटरेसी में हमने बात किया कि बच्चों का फिजिकल भी होना चाहिए, लर्निंग भी होना चाहिए, फीलिंग भी होना चाहिए। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि हम अपने जो लोकल गेम्स हैं ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर सब बच्चों को हमें एंगेज करना है। अभी मैं कुछ आपसे एक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक बार मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। All right, guys, let's welcome the Desi Rhythm. Come on, make some noise for the Desi Rhythm. ये आपका ही डांस है, पर मैं उसको सिर्फ इस एंगल से दिखाना चाह रहा था कि इसमें कितनी स्पोर्ट्स साइंस छुपी हुई है। अभी हम बात करते हैं अपने लोकल डांस की, आपका कल्चर है वो, उसको उस एंगल से देखिए कि जब बच्चे ड्रिल कर रहे थे तो बोर थे, थोड़े लॉस थे, कुछ बच्चे कर रहे थे। आपका अपना जब कल्चर आया, उनका एनर्जी लेवल, उनका खुद का मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें कनेक्ट करने का, जब हम फिजिकल लिटरेसी सोचें तो सिर्फ ई क्लास ना सोचें, हमारे जो गुजरात के कल्चर में हो रहा है उसको भी हम साथ जोड़ के चले, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग डॉट है। एक और ऐसे ही एक सिंपल वीडियो जो सोशल इंटरेक्टिव हम बोल सकते हैं ना, जब इस सोशल इंटरेक्टिव क्या होता है हमें तो पीस स्कूल में पता है, तो सोशल इंटरेक्टिव डांस होता है। अब आप देखोगे ये तो ये आपका गुजरात का एक मैरिज का डांस में मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, जो फिजिकल लिटरेसी ने बात किया कि सोशल इंटरेक्टिव, सब लोग मिले, बड़ी उम्र के छोटी उम्र के सब लोग हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सोशल चीजें सीख रहे हैं, मिलके का डांस कर रहे हैं, आपस में उनका फेस एक्सप्रेशन हो रहा है। तो सोशल इंटरेक्टिव को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण लोकल इसलिए दिखाए कि जो फिजिकल लिटरेसी है अगर हमें हर बच्चे तक ले जाना है तो ये पांच सिंपल टेक अवेज मैं प्रपोज करना चाहूंगा। सबसे पहले आसान और अवेलेबल एक्टिविटीज, आसान और अवेलेबल एक्टिविटीज जो आपके कल्चर में है हमें उन्हीं को लेके चलना है। गुजरात के कल्चर में बाय डिफॉल्ट रिदम कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर मुझको स्ट्रेंथ वर्कआउट कराना है तो मैं क्या कराऊंगा, अगर मुझे मैं पी टीचर होता तो मैं उसको स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल हरियाणा का डंड बैठक नहीं कराता, मैं क्या कराता उसको उसी डांडिया डांस के अंदर मैं उसको होल्ड कराता बीच बीच में, एक में आधा मिनट का डांस, 10 सेकंड का सुपर स्क्वाट का होल्ड, पर डांडिया की पोजीशन में आपका जो कल्चर है रूट उसको साथ लेके। तो हमारे जो कल्चर है उसमें हमें साइंस ढूंढनी है फिजिकल एजुकेशन के एंगल से, ना कि हम ये बात करें अरे मैं जुम्बा बाहर से लाना है वो गुजरात में हिट होगा। उसका रीजन ये है कि अपने जो कल्चर की चीज है वो हर घर में पता है, उसकी माता भी टीचर बन सकती है, बहन भी टीचर बन सकती है,
भाई भी टीचर बन सकता है, तो फिजिकल एक्टिविटी उसका जारी रहेगा उसके जरिए, आसान से मिलने वाली एक्सेसिबल एक्टिविटी, रूट टू द कल्चर। गुजरात का फिजिकल लिटरेसी मॉडल गुजरात का ही होना चाहिए। गुजरात का फिजिकल एजुकेशन नेशनल फिजिकल एजुकेशन से अलाइन हो बट डिफरेंट हो, क्योंकि वो गुजरात के लिए। और जो कल्चर बात किया गोपी सर ने कि छोटी छोटी चीजें कल्चर की, हम कल्चर मूवमेंट कैसे लाएं, बैठ के खाना, बड़ों के लिए झुकना, वो हमारी वैल्यू से भी लिंक्ड है, बट वो फिजिकल लिटरेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि हम जब फिजिकल लिटरेसी गुजरात की बात करें, हम बाहर की बात ना करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू, एज ए टीचर या एज एन अकेडमिशियन, जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हो तो हम ये तो पढ़ाते हैं, बहुत करना कैसे है, ये एक्टिविटी कराना, ये पीरियडाइजेशन है, ये ड्रिल है, जबकि वो पूरी पिक्चर बिल्कुल नहीं है। हमको तीन चीज प्लान करनी है एज ए टीचर, मैं क्या कराऊंगा, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे आज, क्या सीख लेके जाएंगे, और तीसरा वो कैसी फीलिंग लेके जाएंगे। और करने और सीखने से ज्यादा फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग सपोज एक ही डांस कर रहे हैं, हम एक ही सेम डांस कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी फीलिंग बिल्कुल अलग होगी, जबकि डांसर क्या चेक करेगा कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कोई मन में सोच रहा होगा क्यों आ गए इसमें, कोई बोलेगा आसान है, कोई बोलेगा मुश्किल है। तो ध्यान हमें करने से ज्यादा फीलिंग पे लेके जाना है, अनुभव क्या देंगे बच्चों को आज, कैसा अनुभव देगा दोबारा उसका मन करे। असेसमेंट भी हमें करना चाहिए फिट इंडिया खेलो इंडिया के पैरामीटर से पहले, अनुभव का असेसमेंट होना चाहिए। मुझे फीलिंग के साथ है कि मैं दोबारा आऊंगा इसमें, अभी मेरा सेशन चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे बोर है, थ्योरी हो गया, नया क्यों बता रहे हैं, कुछ लोग को मजा आ रहा होगा, तो ये फर्क नहीं पड़ता मैं कितना नॉलेज रखता हूं, मैं गोपीचंद जी के साथ काम करता हूं। इंपॉर्टेंट क्या कि आज आप मुझे सुनने आए, अगर एक घंटा आपका अनुभव कैसा रहा, ऐसा ही बच्चे का है। अब सबको अनुभव देने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने आपको अनुभव देने के लिए मैंने सोचा गुजराती थोड़े वर्ड यूज करता हूँ, कुछ लोगों को वीडियो पसंद के लिए वीडियो रखता हूँ, ऐसा मैंने प्रिपेयर किया। तो ऐसा ही हमें क्लास में प्रिपेयर करना है, असेसमेंट हमें अनुभव का करना है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की हमें हर बच्चे पे फोकस करना है, हर बच्चा। फिजिकल लिटरेसी बात करता है आखिरी तीन बच्चों की, स्पोर्ट्स बात करता है पहले तीन बच्चों की, दिशा बहुत अलग है। आखिरी तीन बच्चे आ गए तो फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट टूट जाएगा, क्योंकि आखिरी तीन का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया, वो भी खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में, हम उनकी बात करते हैं। ये मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ समय को देखते हुए। आप इसको देख सकिएगा, ये एक वीडियो है जो बोलता है कि हमारे बच्चे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, वो हमसे 5 साल कम जिएंगे, उनकी जिंदगी 5 साल कम होगी बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिजीज, एंड इट मेक्स ए ऑनेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन कि क्या हम बच्चों को 5 साल एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ये उस वीडियो का है। Would make a time machine. I'd probably teach my sister not to hate tuna. I would try and invent a machine that lets you learn at light speed. If I had 5 more extra years to live, I would be the boss of all the chipmunks. Eu cantaria na frente de 1 milhão de pessoas. I don't really know. I think I'd do anything. Why are you asking me that? पांच साल एक्स्ट्रा गिफ्ट देने का रिक्वेस्ट है। थैंक यू से पहले, जैसे मैंने बोला था कि मुझे ज्यादा मजा आ जा पाएगा जब हम काम करें, ये तो शुरुआत थी। कुछ मेरे सुझाव हैं, भारतवर्ष में अभी पूरे देश में कोई भी फिजिकल लिटरेसी का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स नहीं है।
क्योंकि फिजिकल लिटरेसी में नॉलेज चाहिए चिल्ड्रन पेडागोगी की, चिल्ड्रन लर्निंग स्टाइल्स की, चिल्ड्रन साइकोलॉजी की, चिल्ड्रन सोशियोलॉजी की और फिजिकल एजुकेशन की। ये मेरा पहला चैलेंज है दोनों यूनिवर्सिटीज को, आप मिलके बनाइए भारत का पहला फिजिकल लिटरेसी का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स। इसमें दोनों यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी और सब्जेक्ट इंटीग्रेट होंगे। दूसरा, अगर हम मिलके फिजिकल लिटरेसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं टीचर्स के लिए, ऑल टीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट पी टीचर से बहुत बियॉन्ड है, ये हर बच्चे के लिए। तो अगर बच्चे का जो इंटरवेंशन पॉइंट है, चाहे वो टीचर है या पेरेंट है, अगर हम मिलके और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करें टीचर और पेरेंट्स के लिए, और एक छोटी सी शुरुआत अगर हम इसको एज ए कोर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में, और एक चौथा पॉइंट अगर हम इसमें रिसर्च करें। मैंने भी जब ये मैंने बहुत बच्चों से बात की है कि बच्चे क्यों एक्टिव रहते हैं नहीं रहते हैं, अगर हम मिलके चिल्ड्रन पे रिसर्च करें फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करें और निकालें कि हमारे यहाँ के बच्चे क्यों फिजिकल एक्टिव होते हैं, क्या कारण है, नहीं होते तो क्या कारण है, और हम एजुकेशन में उसको ऐड करें। तो इसके साथ ही आई वुड थैंक यू एसजीएस इन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। मुझे आई एम नॉट श्योर बट मुझे जो पता था मैंने प्रयास किया कि मैं आपको सरलता से समझा पाऊं, तो मेरा प्रयास ही रहेगा। बाकी आप लोग बताओगे मुझे कि आप तक बात पहुंची कि नहीं। तो ये मैं वही बोलूंगा, ये शुरुआत होनी चाहिए बड़ा काम करने के लिए, तभी मजा आएगा, हम लोग मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। आप लोगों की यूनिवर्सिटीज का जो स्ट्रेंथ है एग्जैक्टली वही मिसिंग लिंक है। मैं नेम नहीं करूंगा बट इंडिया के टॉप फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस में भी चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर नहीं टच किया जाता, चाइल्ड के लर्निंग अप्रोच पे नहीं टच किया जाता, बच्चों के बिहेवियर पे टच नहीं किया जाता। तो ये अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास है तो हम डेफिनेटली इसको बहुत दूर ले जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अमित मलिक फॉर द वंडरफुल सेशन, actually with the profound sense of gratitude both of the organization are thankful for such an enlightening session. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर दो चीज mention करना चाहूंगा कि हमारी university के जब हम actually program है वो finalize कर रहे थे और एक webinar करने के लिए एक topic finalize कर रहे थे, तब हमारी university की faculty Dr. Kunal Desai sir और हमारे associate professor Dr. Sudhir Kumar Sharma sir का बहुत ही बड़ा input रहा और बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ये फाइनलाइज करने में कि हमें जो वेबिनार की शुरुआत करनी चाहिए वो, और ये फिजिकल लिटरेसी को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए आज की जो टाइम की नीड है उसको ध्यान में रखते हुए, और हम दोनों यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे साथी डॉक्टर शिल्पा मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। डॉक्टर शिल्पा वाला, धन्यवाद जेठवा भाई। पहले तो आपने आज इतना ज्ञान परोसा हमें कि आपका धन्यवाद करे उतना कम है। आपने जो लास्ट में अमित सर दो तीन टॉपिक बोले हैं कि एक शारीरिक साक्षरता का एक पीजी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, फिर एक रिसर्च होना चाहिए बच्चों पे, या फिर फिजिकल का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो होना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए ही काम करती है, रिसर्च पे काम करती है। और हमारे यहाँ आपको सर पता नहीं होगा, धीरे धीरे हम आगे काम करेंगे, हमारे गुजरात से कुल 60 स्कूल ज्वाइंट हुई है हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें अलग अलग हम प्रकल्प पे काम करते हैं बच्चों के लिए, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फूड का हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, या वैदिक गणित हो। तो हम आगे काम करना चाहेंगे सर हम दोनों यूनिवर्सिटी आपके साथ। तो पहले तो मैं हमारे परम आदरणीय कुलपति श्री हो, कुल सचिव श्री हो, और आज के हमारे अतिथि और मेहमान श्री और सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सबसे पहले हमारे कुलगुरु आदरणीय श्री हमारे कुलपति श्री का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिसने बड़े रस के साथ
हम सबको ये विषय लिया और हम सबको इसमें आमंत्रित किया। उसके बाद हम स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उसके बाद हमारे कुल सचिव श्री डॉक्टर अशोक भाई प्रजापति साहब जिन्होंने हमें वहीवटी सारी सुविधा दी, उसका भी मैं अभिवादन व्यक्त करती हूँ। उसके बाद देसाई सर जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है उसका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो हमारे अध्यक्ष है डायरेक्टर श्री है उसका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो खास कर करके हमारे जो विद्यानिकेतन है 60 स्कूल्स उसके ट्रस्टी श्रीओ प्रिंसिपल श्रीओ और टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हुए वो सबका मैं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से डॉक्टर शिल्पावाड़ा में अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे जो दोनों यूनिवर्सिटी के टेक्निकल टीम है, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स है, सभी का मैं चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो हमारे आज के अतिथि है, जो हमारे मेहमान है, उन्होंने आज हमें शारीरिक शिक्षण फिजिकल एजुकेशन और रिसर्च के बीच में रमत मतलब कि स्पोर्ट्स क्या है और उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो ज्ञान आज हमको उन्होंने प्रदान किया है तो मैं उसका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। और पूरे गुजरात राज्य भर में से जो जुड़े हुए सभी लोगों का मैं डॉक्टर शिल्पावाड़ा आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। आवाज नहीं आवतो तमारो जेठवा सर અંતમાં હું આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ કે આપ યુનિવર્સિટીના આગામી કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ આ કાર્યક્રમને સફળ અને સુચારુ રૂપે આયોજિત કરવા માટે આપનું અને આપની સમગ્ર ટીમનું જે કંઈ પણ યોગદાન રહ્યું છે તેના માટે આપનો પણ અને આપની ટીમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ સર.